करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का। बड़ी खबर आ रही है जहां पर कीचड़ में फंसा मंत्री देवेंद्र सिंह बबली का काफिला। हिसार से बड़ी खबर, कीचड़ में फंसा मंत्री देवेंद्र सिंह बबली का काफिला। पीडब्ल्यूडी ने आनन फानन में बनाई थी ये सड़क। लंबे समय से ये सड़क खराब थी। स्थानीय लोग लगातार कर रहे थे सड़क मरम्मत कराने की मांग। खुद मंत्री जी कीचड़ में फंस गए। तो ये बड़ी और अहम जानकारी, हिसार से कीचड़ में फंसा मंत्री देवेंद्र सिंह बबली का काफिला। पीडब्ल्यूडी ने आनन फानन में ये सड़क बनाई थी और लंबे समय से बताया जा रहा है कि ये सड़क खराब है। स्थानीय लोग लगातार इस सड़क की मरम्मत के लिए प्रयास करते रहे और शिकायत करते रहे। ये ताजा तस्वीरें आप देखिए जहां पर इस सड़क पर मंत्री जी का जो काफिला है वो फंस गया। मंत्री देवेंद्र सिंह बबली का काफिला फंसता हुआ नजर आ रहा है, तस्वीरें आप देखिए। गाँव में बबली का कीचड़ के साथ स्वागत किया भाई, देख लो जबरदस्त लाइन ना एम्बुलेंस एम्बुलेंस रास्ता दे रहा, यहाँ पर एम्बुलेंस लग ही दिया। लंबे से समय के युवा कीचड़ का बहुत लंबा चल रहा है, यू ना मिटता पब्लिक गया जिसका स्वागत कैमरा मुंद जाए मुंद भी दे कर भी दे कैमरा बढ़िया थी। तो हिसार से हमारे सहयोगी अनूप कुंडू जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अनूप, मंत्री जी का स्वागत कीचड़ से हुआ। जिस गांव से आज देवेंद्र सिंह बबली पंचायत मंत्री बनने के बाद पहली बार अपने हलके में प्रवेश कर रहे हैं, वो गांव बिल्कुल हल्का टुआना का पहला कुलाना के बीच का पहला गांव है और इस गांव से इस मंत्री का बहुत अच्छा लगाव रहा है, बिल्कुल अच्छे संबंध रहे हैं। तो आज वहां पर लोगों ने जोरदार स्वागत किया। लेकिन इस गांव की एक बहुत लंबे समय से जो समस्या है वो है गांव की मेन सड़क। आप तस्वीरों में हमारे दर्शक भी देख पा रहे हो कि किस प्रकार से यहां पर बहुत गहरे गड्ढे हैं और जैसे ही पीडब्ल्यूडी विभाग को पता चला कि आज मंत्री इधर से गुजरेंगे तो आनन फानन उन्होंने एक कच्ची मिट्टी के साथ कुछ पत्थर भेज करके उसको फाटने का कार्यक्रम भी बनाया। लेकिन जब तक मंत्री का कार्यक्रम था तो वो उस समय तक वो उसको ठीक रिपेयर नहीं कर पाए, जिससे विभाग की भी पोल खुल गई। लोगों को मंत्री से काफी उम्मीदें हैं क्योंकि देवेंद्र सिंह बबली गांव बिछपड़ा से काफी लगाव रखते हैं और उन्हें उम्मीद है कि जरूर देवेंद्र सिंह बबली जिस कीचड़ से होकर के आज अपने हलके में प्रवेश कर गए हैं वो इस सड़क को का निर्माण अच्छे ढंग से करवाएंगे। राज्य मंत्री अनूप जानक भी इस पर कई बार दम भर चुके हैं कि वो इसको ठीक करवाएंगे, लेकिन अभी तक तो जो हालात है तस से मस नहीं हुए। बिल्कुल अनूप, क्योंकि लंबे समय से यहाँ जो स्थानीय लोग हैं वो प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं कि इस सड़क की मरम्मत की जाए मरम्मत की जाए, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं होती है। लेकिन जब खुद मंत्री जी यहाँ पर फंस जाते हैं तब संभावना है कि जरूर ये जो सड़क है इसकी मरम्मत होगी। मोनिका, विभाग हमेशा ऐसे ही करता है, जब कोई मंत्री मुख्यमंत्री या अन्य किसी का दौरा होता है तो आनन फानन में छोटी मोटी टाकियां लगा दी जाती है, गड्ढे होते हैं उनको रिपेयर करने का काम किया जाता है। लेकिन इस बार प्रशासन की काफी दाव जो पोल है वो खुल गई है क्योंकि आज जो जब मंत्री का काफिला वहां से गुजरा तो गड्ढे बहुत गहरे थे और साथ में जाम फंस गया था और इसके साथ साथ ग्रामीणों ने मंत्री से गुहार लगाई कि आप समय में आज यहां से निकले हैं, देखिए क्या हालात गांव के है, क्योंकि गांव के लोगों को यहां हर रोज यहां से निकलना पड़ता है गुजरना पड़ता है, उनका तो जीना दुर्भर हो चुका है। तो ऐसे में कहीं कहीं पंचायत मंत्री जरूर इस पर अगर संज्ञान लेंगे तो हो सकता है कि गांव की समस्या का समाधान हो जाए। क्योंकि यहां पर मंत्री जी को दो चार होना पड़ा, सड़क पर उनका पूरा काफिला फंस गया, तो क्या इस दौरान किसी तरह की कोई कार्यवाही देखने को मिली, क्या फटकार लगाई गई अधिकारियों को पीडब्ल्यूडी विभाग के? देखिए इस प्रकार की कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई क्योंकि मंत्री पहली बार वहां से शपथ ग्रहण करने के बाद अपने हलके में प्रवेश कर रहे थे और आज वो स्वागत कार्यक्रम में काफी बिजी थे, लेकिन उनके संज्ञान में ये जरूर मामला आ चुका है कि किस हालात से वो आज इस गांव से गुजरे हैं। और जिस प्रकार मैं पहले बता रहा था मोनिका, इस गांव से उनका काफी अच्छा लगाव रहा है और बहुत अच्छे संबंध पूरे गांव से रहे हैं। हल्का टुहाना और उकलाना के बीच का सबसे पहला गांव यही है, तो हो सकता है कि मंत्री अपने निवास स्थान पर या अपने कार्यालय पहुंचने के बाद इस चीज पर संज्ञान ले और जरूर लोगों की समस्या का समाधान हो, अन्यथा बिठमड़ा गांव के लोग तो इसी तरह बद से बदतर जिंदगी जीने को मजबूर हैं ही। जी अनूप, क्या जिस दौरान ये तमाम चीजें हुई और मंत्री जी का काफिला कीचड़ में फंसा तो क्या उसके बाद स्थानीय लोगों से किसी तरह का कोई बातचीत उनकी हुई मंत्री जी की और किसी तरह का कोई आश्वासन उन्होंने दिया मंत्री जी ने कि सड़क की मरम्मत होगी या फिर जो चीजें हैं उसको दुरुस्त किया जाएगा? देवेंद्र सिंह बबली ने सिर्फ सड़क का ही नहीं, उन्होंने जिस प्रकार से वहां पर लोगों को संबोधित भी किया और उन्होंने कहा कि ये बड़ी जिम्मेदारी उनको मिली है और जिम्मेदारी को सब मिलकर के निभाएंगे और वो खुद मंत्री नहीं है, जो उनके वर्कर है उनके
आता है या मत आता है वो तमाम मंत्री बने हैं, ऐसा आश्वासन लोगों को दिया है। लेकिन ये आश्वासन कोरा आश्वासन ना रहे, इसलिए लोग चाहते हैं कि इस पे कार्रवाई हो। और पिटमड़ा गांव की जो समस्या है, इस पे सिर्फ यही नहीं कि देवेंद्र सिंह बबली ही इस सड़क से होकर के गुजरे हैं, बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो हर रोज इस सड़क से होकर गुजरते हैं। चाहे निशांत सिंह जो जेजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं उनकी बात कर लीजिए, चाहे बराला की बात कर लीजिए, बहुत सारे ऐसे बड़े नेता भी जो इस सड़क से गुजरते हैं, अगर वो चंडीगढ़ जाते हैं या इधर से अपने। और राज्य मंत्री जो अनूप धानक है उनका तो ये हल्का है और हल्के का सबसे बड़ा गांव है। अनूप धानक ने भी कई बार यही कहा है कि चौधरी देवलाल के सपनों का यह गांव है, लेकिन गांव जरूर सपनों का होगा लेकिन सपने साकार होते हुए कभी नजर नहीं आए। लेकिन अब लोगों को उम्मीद है कि देवेंद्र सिंह बबली अगर मंत्री बने हैं तो कहीं न कहीं जरूर इसका समस्या का समाधान हो सकता है। मोनिका बिल्कुल, और कितना समय हो गया है यहाँ के लोगों को इस परेशानी से जूझते हुए, कितने समय से वो इसकी मांग कर रहे हैं कि सड़क की मरम्मत हो? देखिए ये आज की बात नहीं है, लगभग 2 से 3 साल का समय यहाँ पर इस तरह की सड़क का हो गया है और बार बार इसको जो है गड्ढे भरने का काम भी किया जाता है प्रशासन से, इसका स्थायी समाधान अभी तक नहीं निकाला गया है क्योंकि इसके दोनों साइड में नाले बनाकर पहले पानी की निकासी की जानी जरूरी है। उसके बाद RCC की अगर ये सड़क वहां से लेकर के और स्कूल जो मेन एंट्री है वहां तक बनाई जाए तभी जाकर के कहीं न कहीं लोगों की समस्या का समाधान हो सकता है। लेकिन हर बार जिस प्रकार आज मंत्री के आने से पहले PWD का जो ट्रक है वो कुछ मिट्टी और कुछ पत्थर लेकर के वहां पर उसको भरने के लिए चला गया, हमेशा ऐसा ही होता है कि प्रशासन को ये ना हो कि वो काम नहीं कर रहा है। एक बंदर की उछल कूद वाला काम आज भी विभाग की ओर से देखा गया है, लेकिन लोगों की मांग आज भी यही है कि इसका स्थायी समाधान किया जाए। बिल्कुल, शुक्रिया आपका अनूप तमाम महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। तो आपने देखा किस तरीके से यहाँ पर लगातार स्थानीय लोग जो हैं वो सड़क की मरम्मत के लिए प्रशासन से गुहार लगाते रहे लेकिन इसकी सुनवाई नहीं हुई। लेकिन जब मंत्री जी का काफिला यहाँ पर फंसता हुआ नजर आया तो मंत्री जी ने भी फिर आश्वासन दिया कि इस सड़क की मरम्मत होगी और साथ ही साथ जो गांव है, जो हल्का है, उसका विकास भी होगा। अनूप बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए और ये तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए। बहुत जरूरी है कि यहां